अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 13 मिनट की लेटेस्ट एपिसोड जो रात को टेलीकास्ट हुई है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे हंगामा छिड़ा हुआ है। लोग मीरम और मुर्तसिम के कुछ हाईलाइट्स देख के काफ़ी ज़्यादा जो हैं शॉक में चले गए हैं। रिसेंटली रात के एपिसोड में ये हुआ है कि हया ने मुर्तसिम को हक किया हुआ था और मुर्तसिम को ये लग रहा था कि वो मीरम है, लेकिन वो मीरम नहीं थी। लेकिन मीरम ने पीछे से आके देख के गलत फहमी का शिकार होकर मुर्तसिम को थप्पड़ मारा और उसके बाद जो हुआ वो देखकर काफ़ी ज़्यादा फैंस जो हैं हैरान रह गए हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे में यमुना ज़ैदी और वहाज अली की केमिस्ट्री इस कदर बेहतरीन थी और इस ड्रामे में इस कदर गन कर दिया है कि ये बताया जा रहा है कि वहाज अली मुर्तसिम ने मीरब के साथ ज़्यादती की है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा फैंस सोशल मीडिया पर शो कि मीरब और मुर्तसिम का ड्रामा और केमिस्ट्री इस कदर अच्छी थी 13 बिन और इस ड्रामे को इस तरह इस मोड़ पर नहीं लेके जाना चाहिए था। हया के बारे में, हया ने उसके बाद हाईलाइट्स में ये भी बताया गया है कि मीरब को भड़का कर घर से निकलने का भी जो है मशवरा दिया और मीरब घर छोड़ के जा रही है। मुर्तसिम अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहा है। इस ड्रामे के चाहने वाले पूरे पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी ये ड्रामा नंबर 1 पे जा रहा है और शुरू के एपिसोड में जितना बेहतरीन जा रहा था, लोग रिसेंटली इसके चाहने वाले फ़ैन्स इस ड्रामे के यही कह रहे हैं कि इस ड्रामे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है कि मीरब और मुर्तसिम के बीच जो ये हुआ है ये अच्छी बात है या नहीं? वहीं पर फ़ैन्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अब मीरब जो है प्रेगनेंट हो जाएंगी और वो मुर्तसिम के पास कभी वापस नहीं आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो इससे आने वाली आपको मेरी तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद, चलिए जी ख़त्म करते हैं यहाँ पर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।